देखिए, जिस समय की आप श्रीकांत शर्मा की बात कर रहे हैं, मैं उस समय खुद ही वही हिंदुस्तान का संपादक था, तो मैंने खुद ही देखा है और मैं चीजों को जानता हूं। लेकिन एक हवा भी होती है और उस हवा का भी असर होता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं संतोष भैया की बात से सहमत हूं इस बात से कि तमाम जमीनी हकीकत वक्त के साथ में बदलती है, जगह के हिसाब से बदलती है और बहुत सारी चीजें होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी आज की डेट में तो बिल्कुल दुर्लभ है अपने नेताओं के लिए। वो जब जिससे चाहेंगे तभी मिलेंगे, नहीं तो बाकी तो उनके मिनिस्टर्स नहीं मिल सकते, उनकी बात छोड़ दीजिए। चलिए, रही बात, ये बात बिल्कुल सही है कि गुजरात में उन्होंने नई भाजपा बना दी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। वो क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता यदि अखिलेश यादव में है कि वो नई सपा बना देते हैं तो अच्छी बात है, अपने पिता से इतर एक अच्छा वो कर लेते हैं तो ये भी एक अप्रिशिएट करने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो हालात हैं उसमें अखिलेश यादव एक अलग से जो है कहेंगे समाजवादी पार्टी बना पाए हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। हाँ, उनके साथ युवा बहुत अच्छी मात्रा में जुड़े हैं, उन्होंने उनके लिए युवाओं ने सेक्रीफाइस भी किया है, लेकिन अखिलेश यादव उस तरह से उनके साथ नहीं जुड़ पाए जैसे जुड़ना चाहिए था, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। अभी आप देख लीजिए, लोकसभा का जो चुनाव हो रहा था वो चुनाव में कहीं नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? आप किस कॉन्फिडेंस में जी रहे थे या ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे? चुनाव इस चीज में आपको नरेंद्र मोदी से सीख लेना चाहिए था कि कम से कम, चलिए मैं नरेंद्र मोदी की उन बातों से सहमत नहीं हूं कि आप नगर पालिका के भी चुनाव में चले जाते हैं, लेकिन कम से कम एमपी तो एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें तो आपको जाना चाहिए। एमएलए बड़ी चीज होती है, उसमें जाना चाहिए। आप भी लेजिस्लेशन के मेंबर हैं, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको उस पद का और उसका सम्मान होना चाहिए था और कम से कम उसकी गरिमा। और जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या असलियत में आपकी क्षेत्रीय पार्टी है, सिर्फ यूपी के अलावा आपका अस्तित्व क्या है? कहीं पर यदि एक दो चार सीटें पा जाते हैं इससे ज्यादा तो और कोई स्थिति नहीं है आपकी। तो ऐसी स्थिति में यूपी में भी आप यदि मेहनत नहीं करते, निकलते नहीं है जमीनी संघर्ष के लिए, कहीं नहीं निकलते हैं, आपके एमएलसी चुनाव में आपके जो पदाधिकारी हैं मारे जाते हैं, आप किसी के साथ सिंपैथी जताने तक नहीं जाते हैं, आप यही करते कहीं नहीं करते, आप अपने बंगले से निकलते, बगल में हजरतगंज चौराहा था वहीं बैठ जाते, क्या करते? गिरफ्तार कर लेते, दे देते गिरफ्तारी। ये तो सामान्य प्रक्रिया है राजनीति में, इसमें कौन ऐसी बड़ी चीज? और अभी हमने देखा है दिल्ली में, आप देखिए राहुल गांधी ने गिरफ्तारी दी कि नहीं दी, तो राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ बैठे कि नहीं बैठे? विजय चौक पर भी बैठे, वहां भी बैठे, गांधी प्रतिमा के पास भी बैठे। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। रही बात यदि कांग्रेस की बात करेंगे तो राहुल गांधी निश्चित रूप से अब एक नई कांग्रेस बना रहे हैं और वो बन रही है। आप देखिए जितने अब अध्यक्ष बने हैं तमाम राज्यों में या जहां अभी बनने हैं, उसमें जो चयन हो रहा है वो एक नई टीम का हो रहा है, उस टीम का नहीं हो रहा है जो थकी हारी एयर कंडीशन में बैठी रहती थी, संघर्ष करने से दूर भागती थी। आज उन्होंने खड़ा कर दिया, आज उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को सड़क पर उतार दिया है, तो उस स्थिति में है। तो ये चीज अखिलेश को सोचनी पड़ेगी। अखिलेश तो क्षेत्रीय दल है, उन्हें तो इस बारे में ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था कम से कम उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनकी कहां सक्रियता दिखाई दे रही? लोग खुद उनकी पार्टी के बहुत समर्पित लोग कई बार कहते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद में आप नेता किसके हैं? यदि आप जिनके नेता हैं उनके लिए नहीं लड़ पा रहे हैं तो फिर किस चीज के लिए लड़ें? तो उतरना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यही चीज है। और जैसा संतोष जी ने कहा, मैं उस बात से भी सहमत हूं कि आज अखिलेश से भी मिलने की स्थिति, अखिलेश इतने बड़े नेता नहीं है, वो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है, वास्तव में वो एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं और इसलिए उन्हें और ज्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए। बावजूद इसके यदि वो नहीं लोगों के बीच में है, नहीं लोगों से उतना सुलभ है, तो
तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य है, और समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो समाजवाद के आंदोलन से निकली, और नेताजी का जो मुलायम सिंह जी का था कि लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते थे, लोगों से मिलते थे, कोई भी उनके पास घुस के चला जाता था, तो आप उसको से किए तब वो धरती पुत्र कहलाए थे, तब उन्होंने अपना वजूद बनाया था। और अखिलेश यादव की पहचान मुलायम सिंह के बेटे की तौर पे, और मुलायम सिंह चुनाव जीते थे, उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। अखिलेश यादव अभी तक जीत करके कोई भी चुनाव इस स्थिति में नहीं आए हैं कि कोई वो पद ग्रहण कर सके। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश को अभी पार्टी को यदि करना है तो उस ढंग से करना होगा, और तभी वो विकल्प बन पाएंगे, नहीं तो मायावती हो या कोई हो। हालांकि मायावती का मैं वजूद मानता नहीं हूं आज की डेट में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने किया है, अब उन्हीं की पार्टी के लोग जो है उनसे खिसक गए, और वो वोट जहां भी ट्रांसफर हुआ है वो आने को अब इनके बारे में सोच भी नहीं रहा है। वो चाहता है तो कोई एग्रेसिव लीडर चाहता है, और वो लीडर उसे मिल नहीं पा रहा है। मायावती हर जगह सरेंडर कर दे रही है, ऐसी स्थिति में कोई और विकल्प नहीं नजर आता है, तो स्थिति ये है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।